Once again, welcome to my channel and just go to the playlist. जैसे कि इसके पहले चैप्टर में हमने प्रेजेंट टेंस का बताया था, वो आपका ग्रामर से रिलेटेड था. अब उसी का मैं बता रहा हूँ आपको इसका ट्रांसलेशन से रिलेटेड, जो कि आपको हिंदी टू इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में. वो तो हमने इसलिए बताया ताकि वो स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे. तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं, उन सेंटेंस के बारे में एक एक करके इसका मीनिंग जानते हैं. एक्चुअली ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदी में भी इस चीज को नहीं बोल पाते हैं कि वो किस जगह पे कौन सा सेंटेंस को बोलें. तो देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस है आपका, वह जाता है, वह जा रहा है, वह गया है या फिर वह जा चुका है, वह जाता रहा है, तुम खाते हो, तुम खा रहे हो, तुम खा चुके हो, तुम खाते रहे हो. तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पर जो है ये फिफ्थ जो है, ये फोर्थ वन फर्स्ट और फिफ्थ जो है, ये दोनों ऐसा सेंटेंस है, वह जाता है, तुम खाते हो. तो ये ऐसी क्रिया, ऐसे वर्ब के बारे में बात कर रहा है जो क्या है, आदतन शामिल है या फिर जो होता है रेगुलर वर्क है, उस तरह का जो सेंटेंसेस है उसको बोला जाता है प्रेजेंट इनडेफिनाइट का, और या फिर सिंपल प्रेजेंट का बोला जाता है. और चूंकि ग्रामर में हमने देखा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपका सीधे क्या होता है, वी वन होता है, तो यहां पर भी आप वही करेंगे. वह जाता है, यदि आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है तो आप समझ रहे हैं, जिसके अंत में ये ता है, यहाँ पे ता है, ती है, ते हो, ये जो वर्ड है इससे पता चलता है कि वो काम रेगुलर होता है, वो रेगुलर वर्क है. तो उस तरह के सेंटेंसेस को आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है. जब आप स्पोकन की बात करेंगे तो आपको इस चीज डिसाइड करना होगा कि आप उस सेंटेंस को कहां पर रखना चाहते हैं. आप यदि यही क्लियर नहीं रहेंगे तो स्पोकन आप नहीं कर पाएंगे. तो ये वह जाता है, तो देखिए यहाँ पे वह आपका जो सब्जेक्ट है डूअर है, यहाँ नाउन की बात, नाउन प्रोनाउन की बात नहीं करते हम लोग. जो काम कर रहा है वह सब्जेक्ट हो गया, तो ही, और जैसा कि हमने बताया उसका क्या होगा, जाता है, जाना का गो, सिर्फ वी वन होता है. लेकिन आपको बता दूं मैं, यदि आपका सब्जेक्ट में ही रहे या फिर सी रहे या फिर सिंगल नेम रहे या फिर इट रहे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाएंगे. क्योंकि वो ये वोवेल है तो इसमें ई एस लगता है, रन होता तो आर यू एन एस लगता. तो यहाँ पे आपका हो गया ही गोज, मतलब वह जाता है. अब इस जगह पे आप आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी इसका फॉर्म है वो इतना जरूर रहेगा. उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिख सकते हैं. यदि आप रहेगा कि वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, वह मार्केट जाता है, ही गोज टू द मार्केट, ये सारे चीज बाद में लगते हैं. उसी तरह देखिए सेम आपका है, अब यह है इसके बारे में बात करेंगे, वह जा रहा है. इस सेंटेंस को आप देखिए, जब वह जा रहा है, यह सेंटेंस जब आप देखते हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, वह जा रहा है, वर्तमान में ये काम जारी है, वर्तमान में ये काम जारी है, अभी जारी है, अभी कंटिन्यूटी में है, अभी ये काम हो रहा है. तो उस तरह से कोई भी जो आपका सेंटेंस है जिससे आपको ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो आप उसको सीधे सीधे जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डालेंगे. ये आपका प्रेजेंट क्या था, ये प्रेजेंट इनडेफिनाइट में आप डालेंगे इसको, हिंदी को भी, तब आपको इंग्लिश बनेगा. इसमें आप इसको क्या डालेंगे, इसके कंटिन्यूअस में डालेंगे. कंटिन्यूटी जैसा हमने बताया, कंटिन्यूटी मतलब वो लगातार जारी है, अभी भी जारी है. तो यहां पर क्या होगा, जैसे ग्रामर में आप देखेंगे, थोड़ा आप रिमाइंड करें, उसमें आप देखते थे सब्जेक्ट था, उसमें इज आर एम था और आपका आई एन जी था. तो यहाँ सब्जेक्ट आपका हो गया ही, और ही चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ जो आपका वर्ब ऑक्सिलरी लगेगा वो इज लगेगा. अब जाना, जाना का मेन होता है वर्ब गो, और जैसे कि कंटिन्यूअस में भी फोर यानी आप आई एन जी लगा देंगे तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है. यदि वो कहीं आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं, स्कूल वगैरह, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, इस तरह का सारा होगा. तो ये जो सेंटेंस है ये हिंदी या इंग्लिश दोनों पे आप जान लिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. यहां यदि आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लुरल है तो आर लगेगा, यू रहता तो यू आर गोइंग होता, आई रहता तो आई एम गोइंग होता, मैं जा रहा हूं. अब देखिए वह गया है, ये सेंटेंस बहुत ही टिपिकल है, इसको आप जरूर जानिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, तो इसको आप जरूर देखें. वह गया है मतलब काम हो चुका है, वो काम हो चुका है. और इसके बारे में एक और जो पास्ट में जाएंगे, तो वह गया और वह गया है दोनों में क्या डिफरेंस है मैं उसको भी बताऊंगा. तो यहां पर आप सिंपल जो है सो जानते जाइए, वह गया है मतलब काम हो चुका है. तो ऐसा सेंटेंस जिससे आपको ये पता चलता है कि काम हो चुका है वह परफेक्ट, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का होगा. वो क्या होगा, प्रेजेंट आपका परफेक्ट का होगा. और उसको ग्रामर में आप देखेंगे तो वहां हमने क्या डाला था, ही
यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और परफेक्ट है तो हैज या हैव आपको जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो ही के साथ यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और इसमें हमेशा भी थ्री होता है, गो का गो, वेंट एंड गोन, ये आपका हो गया गोन, गो वेंट गोन। वह जाता रहा है, वह जाता रहा है, देखिए यहाँ एक सेंटेंस है वह जा रहा है, वह जाता रहा है, ये दोनों सेंटेंस में बहुत बारीकी से आप यदि देखेंगे तो वह जाता रहा है कहने का मतलब ये काम जो है कुछ समय से जारी है, कुछ समय से ये कंटिन्यूटी में है और हो सकता है उसमें कुछ पार्ट खत्म भी हो गया और कुछ पार्ट चल रहा है, इस तरह से। इसमें जनरली यदि इस तरह का है तो ठीक है, नहीं तो आपको उसमें दिया रहेगा वह 5 सालों से जा रहा है, 2 वर्षों से खा रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है, तब उसमें आपको ता रहा है नहीं लगाने से भी उसको होगा। यदि आप इसमें समय नहीं लिखते हैं तब आपको सेंटेंस इसी तरह से बनाना होगा, वह जाता रहा है, ताकि ये पता चले कि काम जो है सो क्या हुआ है, वो काम कंटिन्यूटी में है, पहले से जारी है, अभी भी उसका काम जारी है और उसमें कुछ पार्ट कंप्लीटेड है। तो ये क्या हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, कुछ काम पूरा हो गया दैट इज परफेक्ट और अभी भी बाकी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा ये प्रेजेंट एंड परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में हैज हैव लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ही, फिर हैज, और यहां पर आपका लगेगा बीन। तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपका हैज बीन या फिर हैव बीन लगेगा, यदि प्लुरल है या आई के साथ हैव बीन लगाएंगे, सिंगुलर आप हैज बीन लगाएंगे, ही हैज बीन। अब कंटिन्यूअस, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं वी फोर लगाते हैं, यहाँ भी वी फोर होगा, ही हैज बीन गोइंग, वह जाता रहा है। तो ये 4 पार्ट है आप देख रहे हैं, इसी 4 पैटर्न पर आपका ट्रांसलेशन होता है। तो जो भी सेंटेंसेस आप लेते हैं तो यहाँ भी देख रहे हो, देख रहे हैं आप, तुम खाते हो, आप इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, नंबर 5 लिख करके यहाँ 5-6 को, और इस तरह से मैं इसे बता देता हूँ, तुम खाते हो, यू, खाना ईट, यू ईट, तुम खाते हो, एस नहीं लगेगा, हमने बताया खाली ही सी ईट या कोई एक नाम के साथ एस लगेगा, नहीं लगेगा वाकई। तुम खा रहे हो कंटिन्यूअस में है, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, तुम खा चुके हो, दैट इज परफेक्ट टेंस। तो यू हैव इटन, जैसे हैज है वहां यू प्लुरल है, हैव लगेगा, यू हैव इटन, तुम खाते रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग, भी फोर उसमें भी लगेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल सा जो एग्जांपल्स है मैं उसको लेके चल रहा हूँ, और आपको यदि स्पोकन इस पर सीखना है तो आप जो है अपना जो हिंदी का जो टेंस सेंटेंसेस है हिंदी का, उसको आप स्वयं क्लारिफाई क्लासीफाई उसको करना सीखे कि इसको किस में डालना है। अभी जैसे आपको यही क्लियर नहीं है कि वह जाता है कि वह जा रहा है या गया है, किस चीज़ में आप यदि कन्फ्यूजन है तब तो मुश्किल है, लेकिन आपको इस तरह से इसको क्लासीफाई करना है। ये तो आपको दिया हुआ रहे तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन आपको यदि खुद सोचना है तो आपको उसको जानना है। इसके बाद मैं बताऊंगा प्रेजेंट, ये सॉरी प्रेजेंट खत्म हो गया, इसके बाद पास्ट का ग्रामेटिकल पर चलेंगे, फिर पास्ट का ट्रांसलेशन पर चलेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो 2-4 क्वेश्चन आप जो है सो आप उसमें खुद ब खुद आप जान लें और ट्रांसलेशन करके भेजें। ऐसे 5 जो हमने ये दिया है ये आप लोग काइंडली ट्रांसलेट करके जो है सो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप लोग जान रहे हैं। तो यदि अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, और जो भी कन्फ्यूजन है आप उसको जानें। तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, देखिए वैसे सेंटेंसेस जिससे पता चले कि काम रेगुलर होता है तो उसको प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट में रखा जाता है। जिससे काम पता चले कि काम कंटिन्यूअस में है, अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हैं, और उसमें सब्जेक्ट और यहाँ पे आपका सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर या एम लगाते हैं, फिर वी फोर जरूर लगाएंगे। वह गया है मतलब जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है उसको आपको जानना है, तो उसमें समझ लेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक के रूप में हैज या हैव लगाते हैं, फिर वी थ्री होता है। वह जाता रहा है जिससे ये पता चले काम लंबे समय से चल रहा है, इसका मतलब कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ चल रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सहायक क्रिया में हैज बीन लगाना है और वी फोर आपको इसमें लगाना है, हैज बीन एंड वी फोर, ये आपका हो गया। और इसके बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब हम लोग बात करेंगे वह गया है और वह गया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आप जो बात है आपके हिंदी में भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।